गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो डिप स्टिक मेथड के ऊपर है, जो जिसकी हेल्प से हम लेवल का मेज़रमेंट करते हैं। ये जो डिप स्टिक मेथड है, ये लेवल मेज़रमेंट का एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर हमें लेवल मेज़रमेंट को समझना है तो ये सबसे सिंपल मेथड होगी एक तरीके से, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि लेवल मेज़रमेंट क्या है। लेवल मेज़रमेंट की डेफिनेशन थी, उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट या ज़ीरो पॉइंट होगा या रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होगा, वहाँ से लेके हमें जो भी हमारा लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, यहाँ तक कि हमें लिक्विड सरफेस, यहाँ तक कि हमें हाइट एक तरीके से फाइंड करनी होगी, वही उसका लेवल होगा। तो ये उसकी सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसे हम मैकेनिकल मेथड के अंदर आती है, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरीका का मैकेनिकल डिटेक्टर है, जिसकी हेल्प से हम लेवल को मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी, तो इसकी डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि ये एक लेवल मेजरमेंट की एक मैकेनिकल मेथड है, जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर आती है। इसकी हेल्प से हम किसी भी स्मॉल टैंक या विजल में फिल्ड लिक्विड के लिक्विड के लेवल को फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें एक प्रिंटेड मेटल रॉड होती है या स्केल होती है, उस स्केल की हेल्प से हम लेवल मेजरमेंट का जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद हम इसके डायग्राम को देखें, तो इसके अंदर एक टैंक होगा या एक विजल होगा, हम बोल दें या कंटेनर होगा, वो होगा, उसके अंदर कोई भी लिक्विड फिल होगा जिसका हमें लेवल मेजरमेंट करना होता है। हम उसके अंदर एक मेटल रॉड होगी, एक तरीके की रॉड है, उस रॉड के ऊपर नंबर प्रिंटेड है जो कि लेवल की फॉर्म में कैलिब्रेटेड है, उसको हम इस टैंक के अंदर डिप करेंगे। कहाँ तक? इसके जो हमारा इसका बॉटम पॉइंट होगा, इसकी जो तली होगी टैंक की, वहाँ तक उसको लेंगे और इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे, मतलब बिल्कुल इसको स्थिर सीधा स्ट्रेट लाइन में इसको लेंगे। इसके बाद इस पर जो भी हमारे प्रिंटेड नंबर्स होंगे, वो नंबर्स की हेल्प से हम उस रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे और उस तरीके से हमारे जो भी वो क्या बोलते हैं लेवल मेजरमेंट होगा इस टैंक का, वो हम परफॉर्म करा सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं कि एक इसमें एक कंटेनर होता है, या ये कंटेनर मेटल का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, क्योंकि वैसे ज़्यादातर एप्लीकेशंस में हम मेटल वगैरह का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम स्मॉल जो हमारे टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए करते हैं, मतलब कोई भी छोटे सिस्टम होंगे या कोई भी छोटी जगह होगी जहाँ पर कोई भी कंटेनर होगा उसके अंदर जो भी लिक्विड फिल होगा उसका मेज़रमेंट करना है, तो वहाँ पर ये टैंक जो है हमारा है वो मेटल का भी हो सकता है या और किसी मटेरियल का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। तो वहाँ पर एक टैंक होता है, उसके अंदर फिल्ड लिक्विड होता है, उस लिक्विड का हमें मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका प्रिंसिपल देखें, तो प्रिंसिपल क्या होगा, ये डायरेक्ट मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहा है, मतलब हम इससे डायरेक्ट रीडिंग को ले रहे हैं। जैसे ये टैंक है, इसके अंदर हमने स्केल को डिप किया और हमें हमारी रीडिंग मिल गई, तो इसके लिए हमें कोई अदर पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो ये एक तरीके से हमारी डायरेक्ट मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद इसकी वर्किंग लिखेंगे, तो वर्किंग के अंदर हम लिखेंगे कि इसमें एक स्मॉल टैंक होता है, उस टैंक के अंदर जो भी लिक्विड फिल्ड है उसका लेवल हमें फाइंड आउट करना होता है या ज्ञात करना होता है। उस लेवल को ज्ञात करने के लिए हम, या उस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेटल रॉड लेते हैं, जो कि जिसके ऊपर नंबर प्रिंटेड होते हैं, उन जो नंबर प्रिंटेड हैं वो लेवल की फॉर्म में कैलिब्रेटेड होते हैं, ठीक है। अब उस नंबर की हेल्प से जब हम इस स्टिक को उस टैंक के अंदर परपेंडिकुलरली डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो उस पर जो भी नंबर्स प्रिंटेड हैं उनकी हेल्प से हम उसकी रीडिंग को नोट डाउन कर लेते हैं। अब जो भी हमारी रीडिंग होगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो भी हमारे टैंक का लेवल होगा, जितना भी, जैसे कि ये हमारी जो रीडिंग बता रही है वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, इस टैंक में जो लिक्विड का लेवल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी वर्किंग लिख देंगे। वर्किंग के बाद होगी इसकी एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, इसका स्मॉल जो भी हमारे
टास्क होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए, मतलब इस कोई भी छोटे टैंक होंगे उनका लेवल मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, यहाँ पर हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए होगी, वहाँ हम अदर मेथड का यूज़ करेंगे। ये इतनी एक्यूरेट मेथड नहीं है, अगर हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको परपेंडिकुलरली डिप कर पाएँ, हमारी जो रीडिंग होगी वो एक्चुअल रीडिंग से कुछ वेरी कर सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एक्यूरेट मिले, पर इतनी ज़्यादा भी वो नहीं होगी कि हम इस मेथड का यूज़ ना ही करें, पर जहाँ हमारे लिए एक्यूरेसी मायने नहीं रखती वहाँ पर हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और छोटे जो हमारे टास्क होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए या उनके लेवल को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद इसके एडवांटेजेस देखें, सबसे पहला एडवांटेज तो ये होगा कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा कुछ चाहिए, तो इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे सिंपल होती है। इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके जो यूज़र के लिए इसका इंटरफेस होता है वो भी सिंपल होता है, यूज़र है कोई भी, जैसे आप इसको देख कर ही अपने आप अपनी तरीके से समझ सकते हो एक बार में कि इससे किस तरीके से इसका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये इस यूज़र के लिए इंटरफेस होगा वो भी सिंपल होगा। इसके बाद ये इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा, हाँ नो मूविंग पार्ट, अब कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तो वहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस के अलावा भी अगर कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो वहाँ पर फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा तो उससे टूट फूट कम होगी उसके अंदर, और एक तरीके से ये हमारा मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, और अगला पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। मेंटेनेंस किसका करना होगा, एक स्केल है वो भी मेटल की है तो उसमें क्या मेंटेनेंस होगा। इसके बाद हम इसकी डिसएडवांटेजेस देखें, तो एक तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि इसकी जो हमें रीडिंग मिलेगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, जो रीडिंग होगी इसकी वो एक्यूरेट नहीं होगी। इसके अलावा और इसका क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि इसका यूज़ हम लार्ज जो टैंक होंगे, बड़े कंटेनर होंगे या टैंक होंगे, उनके लिए हम इनका यूज़ नहीं कर सकते इस मेथड का, उसमें फिल्ड जो लिक्विड होगा उसके लेवल का मेज़रमेंट हम नहीं कर सकते, उसके लेवल को हम वहाँ पर नहीं माप सकते, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी लिक्विड की कि अगर जो थोड़ी थोड़ी हमारी वेरिएशंस आ रहे होंगे, रीडिंग आ रही होगी, जो रीडिंग जो हम ले रहे होंगे इसके अंदर और हम कोई बड़े लार्ज टैंक के अंदर ले रहे होंगे, तो वहाँ पर इस रीडिंग और उस रीडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, काफ़ी ज़्यादा एरर प्रोड्यूस होंगे, तो इसलिए हम इस मेथड का यूज़ केवल छोटे टैंकों के लिए या छोटे कंटेनर के लिए मैं लेवल के मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए करते हैं या ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।